हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल। एक केरला से मुझे चार्जर कोरियर से आया है रिपेयर होने के लिए, तो चलिए इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करके आपको अंदर की कंडीशन बताते हैं। भाई, इस जगह पे जला हुआ है। ये देखिए भाई, कितनी बुरी तरह से जल गया, ये कंप्लीट बर्न हो गया है। ठीक है, बहुत डस्ट भी बहुत गया है इधर। ये देखो भाई, ये तो कंप्लीट जला हुआ है। ठीक है, और ये वाला देखो, ये सब फैन ऑन होता है ना, तब पूरा डस्ट गंदगी जो भी मिलेगा अंदर खींचेगा, शार्ट करेगा। अगर इस सेक्शन में शार्ट होगा तो इधर भी बर्न हो जाएगा। इसमें बहुत काम है। अभी इसका मॉस्फेट चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला मॉस्फेट गॉन, ये वाला भी मॉस्फेट गॉन, बोला सही है। अभी इसमें मॉस फट गए, देखो ये सब ट्रैक ही फट गए इसके पीछे से। ये सेक्शन में पूरा बर्न, पूरा रिले रजिस्टर सब जला हुआ है, मॉस फट गया है। अभी इसको जितने कंपोनेंट शार्ट हैं उन सभी कंपोनेंट को बदलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले इसको बाहर निकालना है, निकाल के मॉस्फेट को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद कंट्रोलर कार्ट में मॉस्फेट के सेक्शन में सभी कंपोनेंट को जो शॉर्ट में लेंगे सभी को बदलना है। इधर रजिस्टर बदलना है और ये सब रिले जितना भी अगर काम नहीं करेगा उसको भी बदलना है। तीन रिले आते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने इस हीट सिंक को बाहर निकाल लिया। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इस सेक्शन में। देखिए, डस्ट गया, मॉस्फेट बर्न हुआ है, कंट्रोलर कार्ड में भी शॉर्ट है। तो पहले इस मॉस्फेट को बाहर निकालना है। तो ये देख सकते हैं, इस दोनों मॉस्फेट को मैंने बाहर निकाल लिया है। ये दोनों भी डैमेज हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अभी इस सेक्शन में पूरा चेक करना है जो जो कंपोनेंट शॉर्ट रहते हैं उन सभी को, और ये कंट्रोलर कार्ड में इस आईसी को सभी को चेक करना पड़ता है, एमसीयू को, रेगुलेटर को, कंपोनेंट आईसी को, सभी को चेक करना पड़ता है। जो जो गया है सभी को बदलना पड़ता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये देख सकते हैं, दो रजिस्टर क्या बुरी तरह से जल चुके हैं। ये वाले दो रजिस्टर भी बाहर निकाल लिया। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस सेक्शन में जो जो कंपोनेंट्स गए थे उन सभी कंपोनेंट्स को मैंने बदल दिया है। इस आईसी को भी बदल दिया है, रेगुलेटर को भी बदल दिया है, इन सभी जितने कंपोनेंट्स थे उन सभी को भी मैंने बदल दिया है। अभी मॉस्फेट इंस्टॉल करना है और इधर दो रजिस्टर इंस्टॉल करना है। अभी ये देख सकते हैं, ये दो नए मॉस्फेट हैं,
इसके जो दो मैंने निकाला था वो ये मॉसफेट है, तो उसके बदले में ये दो नई मॉसफेट इंस्टॉल करूँगा और इधर दो रजिस्टर इंस्टॉल करके ऑन करके आपको लाइव बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं रजिस्टर इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी इन मॉसफेट को मैं बिठाऊँगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके सभी कंपोनेंट्स को मैंने बदल दिया है। बहुत बुरी तरह से ये जल चुके थे कंपोनेंट्स, कंट्रोलर कार्ड वाले एसी, रेगुलेटर एसी, रजिस्टर, मॉसफेट, जेनर, इन सभी को मैंने बदल दिया है। बदलने के बाद अभी इसको मैंने कनेक्शन भी दे चुका हूँ। ये लाइन और ये न्यूट्रल आउटपुट पे मल्टीमीटर के प्रॉक्स अभी फ़ैन कनेक्ट करता हूँ ताकि ऑन होने के बाद ये रन होता है या नहीं होता वो पता चल जाएगा। अभी देख सकते हैं फ़ैन भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अभी मैं इसको पावर दूंगा। पावर देने के बाद आउटपुट पे 53 वोल्ट शो करेगा और फैन कंटिन्यूस ऑन रहेगा, इधर कम्युनिकेशन का लाइट इंडिकेट करता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पावर ऑन कर दिया, कम्युनिकेट लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आउटपुट पे 42 वोल्ट शो कर रहा है, फैन भी ऑन हो चुका है। मतलब ये काम परफेक्ट हो चुका है। बहुत बुरी तरह से ये जल चुका था, फिर भी मैंने इसको सही कर दिया है। आप भी अगर आपका भी चार्जर रिपेयर कराना चाहते हैं तो मुझे कुरियर से भेज सकते हैं। कुरियर का एड्रेस तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।